बारिश आ रही है नीचे ससुराल वालों से, ससुराल इनके ससुराल की साइड से आ रही है बारिश। ये देखो ये पहुंचती पहुंचती पहुंच गई, मतलब क्या कहें आपको। बताइए कुछ कमेंट कीजिए। आयरन मास्क ये तू सरे कहां से आई बारिश से? डैड जी के समझ के यहां से बोला कुछ दो शब्द कहे। हाँ जी बोले बंद हो गई ले जी, बारिश हो गई, डैडी जी बोल नहीं रहे इसलिए बारिश बंद हो गई। ये देखो थोड़ा सा छिड़काव, इधर आओ इधर। उनके दांत सूख गए हैं, उन्होंने लगाए हुए हैं, उसके लिए बारिश दे रहा है इंद्र देवता। इंद्र देवता तो दे रहे थे लेकिन देखो इधर बंद हो गया और उधर लग रही है। देखो अब आई फिर से खेत में जो है दरारे पड़ गई है उनके, इसलिए जो है इंद्र देवता को प्रसन्न करते हुए बारिश आ गई। मास्टर ने जो है डिसेबल की थी। और अभी आपको दिखाएं तो ये देखिए धूप भी लगी हुई है, बारिश भी लगी हुई है, धूप में बारिश ले बंद होगी। ये क्या मतलब का झटका लगेगा रहा एक एक झटका लगेगा रहा फिर दबात खाली धूप लग गया छाव। ये ताए लग रहा जड़ा है। ये लंच के लिए दाल चावल मैं बना रही हूँ, तो दाल मूंग की खट्टी दाल जो कि हमारे यहाँ पे बनाई जाती है अगर कोई भी फंक्शन होता है, शादी ब्याह कुछ भी, तो वही वाली मैं बना रही हूँ। तो पहले तो तड़के में हींग जीरा एक लाल मिर्च सूखी वाली ये सब डाल के प्याज डाल के, प्याज जब अच्छी तरह से भुन जाए, वो मैंने तब शूट नहीं किया ना क्योंकि कॉमन सी चीज़ें हैं। और इसके बाद फिर ये डाल दीजिए हल्दी लाल मिर्च पाउडर और मसाले गरम मसाले, मसाले आप अपने अकॉर्डिंग जो भी हो क्योंकि स्वाद तो मसालों से ही आना है, तो वो सब हीरा धनिया पाउडर जीरा पाउडर इस तरह से सारे मसाले ऐड कर सकते हो। फिर ऐड मसाले के बाद अभी नमक भी मैंने साथ ही साथ ऐड कर दिया। इसके बाद टमाटर भी आप डाल सकते हो लेकिन मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, और खटास इसमें हम मेनली ऐड करते हैं। तो आप वैसे तो इसमें अगर आपकी दही का हम यूज़ करने वाले हैं एंड में, अगर दही आपकी बहुत ज़्यादा खट्टी हो तब तो आप कोई भी खट्टा और कोई चीज़ यूज़ ना करें, लेकिन अगर आप ताज़ी फ्रेश वाली दही है तो आप थोड़ा सा अमचूर पाउडर आमला पाउडर इस तरह से कुछ भी ऐड कर सकते हो। तो बस जी ये देखिए अभी दाल जो है डाल के मैंने थोड़ी सी देर इसको भी चला लिया, थोड़ी सी घनी और पतली आप अपने अकॉर्डिंग वाला जितनी रसीली चाहें उतनी कर सकते हो। और फिर एंड में इस तरह से हम डाल देंगे इसमें दही। दही में अगर आप थोड़ी सी राई पाउडर डालते हो तो और भी अच्छा टेस्ट आता है, और मैंने इसमें थोड़ी सी अजवाइन और राई पाउडर डाला था। तो बस जी अभी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें, और फटता ही बिल्कुल नहीं है क्योंकि हम इसमें बाद में ही इसको ऐड कर रहे हैं। अगर हम तड़के में आप पहले डालते हो तब थोड़ा सा चांस रहता है, और वैसे मोस्टली जो शादियों में बनता है तो बाद में एंड में ही डाला जाता है। सारे मसाले इसमें ही दही के अंदर मिक्स करके डाले जाते हैं। एक मैंने ब्लॉग में भी आपके साथ शेयर किया था जब इस तरह से फंक्शन में खाना बन रहा था तो बोटी के हाथों ही मैंने दिखाया था, तो पता नहीं आपने देखा होगा उस टाइम पे कि नहीं। और इसके बाद ये देखिए ये पपीता लेके आए थे पतिदेव, 2 किलो का इकट्ठा है मतलब बड़ा सा, तो ये मैंने फिर काट के बच्चों को दे दिया जब तक मतलब दाल रोटी बन रहे थे दाल चावल। तो जी बस इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया, ये ना कांटे से खाने में फिर बच्चे थोड़ा सा इंटरेस्ट लेते हैं। और इसको अच्छी तरह से टुकड़ों में काटने के बाद थोड़ा सा नमक और चाट मसाला मैं ऐड कर लूँगी, और बस फिर ये डैडी जी के लिए लेके जा रही हूँ। गर्मी केड़ी आज बहुत ज्यादा गर्मी है ना, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा होगी आज तो गर्मी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? तो जी जैसा कि आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा, तो बहुत ज्यादा बातें न करके पहले बस मुद्दे पे ही आते हैं कि मैं YouTube पे आपके साथ काम करना चाहती हूँ। तो जो भी मेरे साथ काम करना चाहें उनके लिए सबसे पहले मैं बता दूं कि Instagram पे bandy.bhartwaj करके मेरा Instagram अकाउंट है, आप वहां पे मुझे मैसेज कर सकते हो। अगर Instagram अकाउंट आपके पास ना हो तो अबाउट सेक्शन में मेरी मेल आईडी दी गई है, आप वहां पर मुझे मेल कर सकते हो। तो मतलब ये तो हुआ कि आप मुझ तक कैसे पहुंचोगे कि अगर आप में से कोई काम करना चाहे तो अब बात करते हैं कि काम क्या करना है। वैसे तो मैं
थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज हूँ इस टाइम पे, मतलब एग्जैक्टली मैं क्या बताऊँ आपको कि मुझे भी पता नहीं है कि करना क्या है, लेकिन ये बताने के लिए आप हो ना कि क्या करना है। जैसे बस मैं आपसे बस एक खाली, जैसे मैं एक 1.5 साल पहले मैंने YouTube की जर्नी स्टार्ट की थी, बैंडी लाइफ एक्सपीरियंस के नाम से मैंने चैनल बनाया था और काफी अच्छा आप देख ही रहे हो कि काफी अच्छा ग्रो भी हो रहा है। अभी 2 साल उसमें कंप्लीट हुए नहीं है, तो उस वक्त भी यही सिचुएशन थी मेरे साथ कि मतलब मैं क्या करूं क्या ना करूं। आप समझ सकते हो कि घर में बच्चे थे, घर संभालना है, बहुत सारी चीजें थी और ऊपर से करियर का भी सोचना था। मतलब मुझे था कि मुझे कुछ ना कुछ करना है, तो उसी मतलब मैं उठी सीधा लग गई, मतलब अपने टैलेंट के बेसिस पे मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया कि स्टार्ट किया मैंने, जिसके आपको पता ही है अगर आप जाओगे मेरे सबसे पहले, तो मैंने पहले टेक्निकल साइड से काम करना स्टार्ट किया, स्वेटर डिजाइन से स्टार्ट किया था और मुझे काफी अच्छा ब्रेक मिला बहुत ही जल्दी, मतलब मैं मोनेटाइज भी हुआ चैनल, सब कुछ हुआ। तो मतलब ये है कि उस टाइम पे जितना कंफ्यूजन था ना, वही आज मेरी आज की डेट में भी मेरे दिल में है कंफ्यूजन। मैं आपको देखो फ्रेंकली मैं आपसे बात कर रही हूँ, ऐसा मुझे मतलब जैसे किसी अपनी सहेली से बात कर रहे होते हैं ना, तो मैं वैसे ही बात कर रही हूँ कि मेरे माइंड में देखिए ये कंफ्यूजन है कि ये जो यूट्यूब है ना, ये एक लाइकवाइज मैं आपको फ्रेंकली अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि लाइकवाइज एक गेम की तरह होता है कि कब जैसे चलता है कब खत्म हो जाता है कोई पता नहीं चलता। आप बड़े से बड़े यूट्यूबर्स को देखना कि उनका भी यही रहता है कि सब्सक्राइबर्स देखना, कुछ एक चैनल खासकर इस तरह से रेमेडी पे बहुत मिलियंस में सब्सक्राइबर होते हैं, उस हिसाब से व्यूज नहीं होते, और कई कुछ एक वीडियोस इतने चमक जाते हैं कि मतलब मिलियंस में उनमें व्यूज होते हैं, सब्सक्राइबर्स कई गुना कम होते हैं लेकिन व्यूज बहुत ज्यादा चढ़ जाते हैं। तो ये मतलब एक गेम की तरह काम करता है। और बाकी रही ब्लॉग की भी बात, तो ये भी खाली मैं आप अपनी दिल की बात बता रही हूँ और अभी तक का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। ये सारी चीजें मतलब एक ना लक वाइज चलती हैं, मतलब जब आपका लक ठीक है तो आप एकदम से जंप कर जाते हो, जब लक खराब चलता है तो आप कितना अच्छा कंटेंट लेके क्यों ना आ जाओ ना, फिर भी कोई आपकी वीडियो नहीं पसंद करता। अब कुछ बोलेंगे कि नहीं टैलेंट होना चाहिए, तो ऐसा देखिए आप, ऐसा मैं खाली एक ही यूट्यूबर नहीं हूँ, यूट्यूब पे बहुत सारे हैं, आप देखना चेकआउट करना आपको खुद पता चल जाएगा। तो ये जो मतलब चीज है, ऐसा नहीं आप बोल सकते कि परमानेंटली मतलब आपका यहाँ पे एक करियर बन गया, या तो फिर आप फुल टाइम दीजिए तब अलग चीज है, लेकिन जिनके अब हाउसवाइफ की बात कर रही हूँ, मुझे अपना घर भी देखना है, बच्चे भी देखने हैं, नहीं हो पाता इतना कि मैं इतना फोकस सारा का सारा यूट्यूब पे ही डालूं, तो नहीं हो पाता है। तो ये फिर मतलब वहां पे आ गई ना बात की फॉर एवर के लिए आप नहीं लेके चल सकते कि हाँ, जैसे आप एक पर्टिकुलर जॉब कर रहे हो आपको पता है कि मंथली सैलरी आनी ही आनी है, लेकिन यहाँ पे आपको ये चीज नहीं होती है कि जब आपका लक सही है तब तो हो सकता है आपको अच्छा भी अच्छी भी पेमेंट्स आ जाएं, और जब नहीं है लक आपका खराब है तो आपको पेमेंट्स उस हिसाब से मतलब लो में भी चली जाती है। कई बार ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है कि पेमेंट भी नहीं मिलता। तो ये एक मतलब टोटल एक गेम की तरह है जहां तक मैंने अपना अनुभव किया है इस फील्ड में। तो मैं चाह रही थी कि मैं कहीं ना कहीं मतलब अब देखिए नाम कमाने की कुछ कर गुजरने की सबको सबके अंदर होती है इच्छा, खासकर देखिए मैं भी एक इंजीनियर हूं तो जॉब मैं नहीं कर पाई, करियर मेरा वहां पे, और ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे भी, यूट्यूब पे अच्छा नाम मैंने कमाया है, मतलब आप लोगों का इतना प्यार यार इससे ज्यादा और क्या चाहिए, 2.5 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके हैं, वहां पे भी अभी भी रेगुलरली ग्रो ही कर रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, अभी 2 साल हुए नहीं है, तो है ऐसा नहीं है कि भाई हाँ कुछ भी नहीं है, है पर उस हिसाब से नहीं कि आप मतलब फुल टू इसी पे डिपेंडेंट हो जाए। मैं देखिए ये मैं सिर्फ अपने ही लिए नहीं बात कर रही हूँ, जो मतलब बिजनेस सोचते होंगे कि भाई यार यूट्यूब पे आते ही पता नहीं कितना पैसा कमाते हैं क्या है, बस एक बार मोनेटाइज हो गया तो बस ये हमारी तो लाइफ बन गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता ऐसा। मोनेटाइजेशन के बाद भी अगर आपका कंटेंट किसी को पसंद नहीं आ रहा है, मतलब होता ही है ना, अभी की डेट में आप यूट्यूब पे देखोगे ना तो कोई कुछ पता ही नहीं चल रहा कि कौन कहाँ चला जाता है और कौन कहाँ से कहाँ आ जाता है, तो कोई इसमें आप ये नहीं बोल सकते हो कि मतलब एक लकवाई का सिस्टम है, लक जब आपका साथ दे रहा होगा ना तो आप ऊपर जाते जाओगे और जब लक साथ नहीं देगा ना तो फिर आप ऊपर से भी नीचे आ जाओगे। तो इसमें आप पर्टिकुलर मतलब ये लेके नहीं चल सकते कि ये आपका एक करियर है और आप इसी पे काम करोगे, इसी पे फोकस मारना है और बस जी हाँ वीडियोज लेके आते रहो, ब्लॉग्स हैं ऐसा है वैसा है, तो इसमें आप फुल्ली डिपेंडेंट नहीं रह सकते। तो फिर मेरे माइंड में था कि मैं मतलब पहले से ही था, जैसे कि आपको मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ कि मैं इसी से बिजनेस के रिगार्डिंग हम शुरुआत कर चुके हैं जहां पे स्टे हो रखा है, तो वो अब देखिए जो चीज नहीं हो पा रही है उस पर तो मैं फोकस नहीं कर सकती ना। फिर मैंने उसके बाद ही मैंने यूट्यूब का ये जर्नी स्टार्ट की थी, यहाँ पे सक्सेस मिली
तो बस एक छोटी सी जर्नी अब यहाँ से स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो जो कोई भी मेरे साथ, मतलब देखिए मैं ये नहीं बोलूँ कि मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, पता नहीं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, कुछ पता नहीं है, लेकिन जो भी मेरे साथ काम करना चाहता है कि पर्टिकुलर किसी के, क्योंकि देखिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, ऐसा भी नहीं है ना कि हमारे काम को कोई तो सराहेगा ना, कुछ भी। मैं ये बोलूँ छोटे से छोटे काम करने में कोई शर्म नहीं होती। आप चाहे से बहुत बड़े पढ़े लिखे हो, चाहे से आप बहुत कम पढ़े लिखे हो, इसमें कोई मैटर नहीं करता। अगर आज की डेट, मतलब जहां ये कोरोना काल हमें लेके आ गया है ना, तो यहाँ पे टैलेंट के बेसिस पे ना देखिए सब कुछ किया जा सकता है। तो हम, मतलब मैं ये चाह रही हूँ कि घर पे बैठ के ही, जैसे मैं घर पे ही हूँ, यहीं से हम काम को, क्योंकि आजकल देखिए आप ऑनलाइन सिस्टम इतना एडवांस हो चुका है हमारा कि हम घर बैठे भी, ये नहीं है कि भी हाँ मैं यहाँ की हूँ, सरका घाट की हूँ, तो मैं बाहर के किसी के साथ कॉन्टेक्ट नहीं कर सकती या किसी के साथ काम नहीं कर सकती, सीधा चलता है आजकल ऑनलाइन कहीं भी। तो जो कोई भी, देखिए आप अपने सजेशन अपने अकॉर्डिंग दीजिएगा वहां पे इंस्टा पे कि हाँ हम ये कर सकते हैं। देखिए लेडीज का ये होता है कि मोस्टली हमें क्या शौक रहते हैं कि हाँ हम कोई नए नए कुर्ते रेडीमेड चीज मिल जाए, या मतलब आप अपने अकॉर्डिंग दीजिएगा, मैं फिर अपने अकॉर्डिंग आपके साथ फिर बात करूंगी। जो भी मतलब काम करने में इच्छा रख रहा हो तो वो वहां पे मुझसे कांटेक्ट रखे कीजिएगा। और शुरुआत देखिए कहीं से भी की जा सकती है, और सक्सेस देखिए अब सब भगवान की दुआ होती है, दुआ नहीं होती है, दया होती है। जब भगवान जी मेहर होती है ना, तो मैं बोलती हूँ ना कि बड़े से बड़ा जो काम होता है ना वो भी हमें छोटू सा लगने लगता है। तो बस इसी आशा के साथ मैं मतलब बहुत ज्यादा बोल गई, और पता नहीं आपको मेरी बात समझ में आई भी या नहीं आई। तो चलिए इंस्टा पे मैसेज कीजिएगा जो भी मेरे साथ काम करना चाहते, चाहे से वो नियर बाई का है, नियर बाई तो मतलब मेरे साथ आकर के यहाँ पे बात भी कर सकते हैं, और बाकी जो नियर बाई नहीं है दूर दराज के हैं, तो मैंने बताया ना आपको कि आज का टाइम ऐसा नहीं रह गया है कि आप अगर यहाँ के हो तो बाहर के किसी के साथ कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते हो, वहां से भी आप अपना काम कर सकते हो, दिखा सकते हो, हर एक चीज हो सकती है। तो चलिए बस इसी के साथ आज के ब्लॉग की मैं यहीं पे एंडिंग करती हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। और अपने सजेशन मुझे जरूर दीजिएगा कि क्या करना चाहिए। हाँ ये मत बोलना कि खाने का काम स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इस टाइम में कोई घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करता, और हो सकता है आगे कोई लॉकडाउन हो जाए, तो हम यही काम करना चाहेंगे जो हम घर से कर सके। मेरा मोस्टली मतलब थोड़ा सा सजेशन ये है कि जैसे अभी सर्दियां आने वाली हैं, हम अच्छे अच्छे डिजाइन्स तैयार कर सकते हैं, स्वेटर्स से कुर्ते इस तरह के बना सकते हैं खुद, मतलब ऐसा है कि देखिए मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मेरे पास आकर के ही काम करना है, आप अपने घर से काम कीजिए, वहीं से बस हम एक अपनी चेन बना लेंगे, नेटवर्क बना लेंगे। तो चलिए देखते हैं होता है या नहीं आता, कितने का रिस्पॉन्स, क्योंकि मैं भी खाली अभी बोल ही रही हूँ, मैं सही बात बता रही हूँ, मेरे भी मन में उतने ही कन्फ्यूजन है कि क्या होगा, कैसे होगा, होगा या नहीं होगा। मतलब कि आप ऐसा ना सोचो कि यार क्या है, पागल है, पागल तो नहीं हो गया कि ऐसे बोल रही है, ये वो है, तो ऐसा होता है यार, स्टार्टिंग में बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं, और मैं क्या ही बताऊं, मतलब इस टाइम पे कोई भी भरोसा भी नहीं करता, इवन मैं इनको बोल रही हूँ तो ये भी अरे क्या बोल रही है, अजीबोगरीब लग रहा है सुनने में ही, तो पता नहीं आपको भी कैसा लगेगा। तो चलिए मैंने अपनी दिल की बात आपके साथ शेयर कर दी है, और बाकी जो भी इस तरह से कुछ भी काम करना चाहेगा मेरे साथ तो मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा इंस्टा, और इसकी मेल आईडी आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगी लिंक, और बाकी आप ऐसे भी जा सकते हो, अबाउट सेक्शन में मैंने दिया ही रहता है। तो चलो जी बहुत हो गया लंबा वीडियो, आप भी पता नहीं इतना लंबा देखोगे या नहीं। तो नमस्कार, थैंक यू।